दोस्तों, अगर आप Amazon.in में जाते हैं तो आपको बेस्ट सेलर की लिस्ट में ये IQOO C7 Pro भी नजर आएगा। ऐसी क्या खासियत है इस फोन में जो इस फोन को Amazon.in में बेस्ट सेलर की लिस्ट में लेकर आती है? तो पिछले कुछ हफ्तों से इस फोन को मैं ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज की वीडियो में बताऊंगा मैं अपना एक्सपीरियंस, व्हाट इज गुड, बैड एंड अगली अबाउट दिस फोन। तो बिना किसी देरी के मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस IQOO Z7 Pro की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। सबसे पहली चीज, व्हाट इज गुड अबाउट दिस फोन। यहां पर आपको डिजाइन, ओवरऑल फील जो है काफी प्रीमियम ये फोन देता है। स्लीक डिजाइन है, स्लिम फॉर्म फैक्टर है, इन हैंड फील के मामले में ले लीजिए अगर आप इसको एक हाथ से भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लाइट वेट फॉर्म फैक्टर के चलते ये फोन आपको वन ऑफ द बेस्ट इन हैंड एक्सपीरियंस देता है इस प्राइस में। इनफैक्ट इस फोन में आपको प्रोटेक्शन के हिसाब से भी फ्रंट की साइड में स्कॉट ग्लास मिलता है और बैक आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। अब इस फोन का जो बैक पैनल है उसमें फिंगरप्रिंट स्मजर्स भी आसानी से नहीं लगते। और अपने यूसेज के दौरान मैंने एक और चीज नोटिस करी, यहाँ पर इसका जो फ्रंट का स्कॉट ग्लास प्रोटेक्शन है वो काफी हद तक इसके ग्लास को प्रोटेक्ट करता है मेजर स्क्रैचेस से। माइनर हल्के फुल्के स्क्रैचेस तो देखो विदाउट स्क्रीन गार्ड इसमें लग जाते हैं। और अगली जो बेस्ट चीज है इस फोन के बारे में वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर जब भी मैंने इस फोन को भीड़ में इस्तेमाल किया, एटलीस्ट एक आध लोगों ने तो पूछा ही, भाई ये कौन सा फोन है, फ्रंट की साइड से काफी प्रीमियम ये दिखता है। और नो डाउट इसका जो कर्व डिस्प्ले है आपको वो स्वाद अनुसार कर्व्ड मिलता है। ये चीज मैंने इसके रिव्यू में भी बोली थी और कंपैरिजन वीडियोस में भी, यहां पर काफी सटल सा कर्व मिलेगा आपको, एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते हैं और पतले बेजल मिल जाते हैं टॉप एंड बॉटम में भी। इसका 120 हर्ट्ज का जो एमोलेड स्क्रीन है, ना सिर्फ वो कलरफुल है, आपको कलर एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है, चाहे आप आउटडोर इस्तेमाल करिए चाहे इंडोर। इसका जो डिस्प्ले है वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला है और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इवन अंधेरे में भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स में वाइडबैंड 11 के साथ साथ HDR प्लेबैक का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके चलते आप अगर वीडियोज देखते हैं इसके बड़े से डिस्प्ले में वो आपको बढ़िया इमर्सिव फील होते हैं। उसके बाद जो जबरदस्त चीज है इस फोन की वो है इसका प्राइमरी कैमरा। इसका जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है वो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल कर देता है। यानी कि अगर आप कलर एक्यूरेसी की बात कर लीजिए, चाहे आप डेलाइट शॉट्स ले लीजिए, HDR की प्रोसेसिंग ले लीजिए, आपको इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट प्राइमरी कैमरा मिलता है इस फोन में। चाहे आप ह्यूमन शॉट्स ले लीजिए, अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की भी शॉट लेते हैं तो आपको बढ़िया शटर स्पीड मिलती है। यानी कि अगर आप लो लाइट एनवायरनमेंट में भी खींचते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट निकाल कर देता है। यहाँ पर इसका जो नाइट मोड है वो भी आपको निराश नहीं करने वाला। इवन इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको बढ़िया रिजल्ट निकाल कर देता है। स्किन टोन से लेकर जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें एज डिटेक्शन और HDR की इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी मिल जाती है इस फोन में। उसी के अलावा इस फोन से अगर आप वीडियो भी शूट करते हैं, इसका जो प्राइमरी कैमरा है उससे आप अप टू 4K 30fps में शूट कर पाते हैं और इस प्राइस में जितने ही फोन्स हैं वो इतना ही मैक्स शूट कर पाते हैं। कुछ चुनिंदा फोन है जो थोड़े ज्यादा हाई रेजोल्यूशन दे देते हैं। यहाँ पर आपको जो आउटपुट है वो स्टेबल के साथ साथ काफी बढ़िया कलर्स भी मिलते हैं उसमें, यानी कि यूजेबल वीडियो आप कह सकते हैं इसके फोन से आराम से निकल कर आती है। साथ ही इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें थोड़ा सा बॉटल लेके यहाँ पर आपको बस 1080p 30fps तक का ही ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा इसका जो ओवरऑल कैमरा है वो आपको निराश नहीं करने वाला। एंड नाउ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग अबाउट दिस फोन इज इसका परफॉर्मेंस। इसका 4 नैनोमीटर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर जो है आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ले लीजिए, चाहे आप नॉर्मल डे टू डे यूसेज ले लीजिए, चाहे आप थोड़ा सा हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स भी खेल रहे हैं, तो उसमें आपको निराश नहीं करने वाला है। यानी कि इस प्राइस के हिसाब से आपको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी देता है। देखो, अपने यूसेज में मैंने इस फोन में ऐसा कोई मेजर लैग या फिर स्टटर्स नहीं नोटिस किया। इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको थ्रू आउट बढ़िया मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको रैम मैनेजमेंट भी अच्छा मिलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और साथ ही ब्राउजिंग, ये चारों ऐप्स आराम से अपने इस रैम में रखता है ये फोन। और वहां पर आपको ऐप के बीच में जो स्विचिंग है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फोन आपको इस प्राइस में उमदा लेवल की परफॉर्मेंस देता है। एंड फाइनली द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फोन इज द बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड। ना सिर्फ बैटरी बैकअप आपको बढ़िया मिलती है, चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी मिल जाती है। 66 वॉट्स का आपको चार्जिंग स्पीड मिल जाएगा, वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है इसका चार्जर। यानी कि 0 to 50% लगभग ये 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। और रही बात नॉर्मल यूसेज की, तो ये फोन आराम से एक दिन से भी ज्यादा चल जाता है। अगर आप हैवी यूसेज करते हैं, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा एवरेज से हैवी यूसेज, तो आराम से ये एक दिन फोन निकाल लेता है।
एंड नाउ कमिंग टू द बैड थिंग अबाउट दिस फोन, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको इसके सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर काफी मिल जाते हैं, यानी कि जैसे आप इस फोन को खरीदेंगे ना, एक चीज मेक श्योर करना कि आप सारे ब्लोटवेयर को पहले डिसेबल करना, कुछ हो सके तो अनइंस्टॉल कर देना, उसके बाद आप इसके आत्मा को शांति से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये चीज़ सबसे पहली करनी पड़ेगी आपको जैसे इस फोन को लेते हैं तो। एंड द नेक्स्ट बैड थिंग अबाउट दिस फोन इज द सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कि ये चीज़ जानकर मैं भी आश्चर्यचकित था कि भाई फन टच ओएस मिलता है, इसमें आपको रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था इस फोन के साथ। यहाँ पर अभी भी ये फोन जो है अगस्त के सिक्योरिटी पैच में पड़ा है, नवंबर आ चुका है और अब तक कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं आया है। हो सकता है मेरे यूनिट में ना आया हो, लेकिन भाई इतना डिले नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इस फोन में ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, तो मैंने सोचा कि भाई इस चीज़ को आपको बता दूँ। एंड द फाइनल बैड थिंग अबाउट दिस फोन इज द फ्रंट वीडियो कैमरा, यानी कि यहां पर आपको 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग मिलती है। इतना कैपेबल प्रोसेसर है, उसके बावजूद भी आपको यहां पर स्लाइटली थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो 1080p 30fps है वो आपको अच्छी स्टेबल वीडियो देता है। लेकिन भाई इस प्राइस में दिल मांगे मोर, एटलीस्ट 4K 30fps भी देता ना, थोड़ी मन को शांति मिलती। तो ये चीज मेरे हिसाब से, इस चीज में अगर एटलीस्ट 1080p 60p मिल जाता ना, तो मैं भी उससे भी संतुष्ट रहता। यहाँ पर आपको 4080p 30fps से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड फाइनली द अगली पार्ट ऑफ दिस फोन, इस फोन में आपको क्या क्या चीजें एक्चुअली खटकेंगी इस फोन को लेने से पहले। तो सबसे पहली चीज, ना अल्ट्रा वाइड ना टेलीफोटो लेंस, यहाँ पर आपको एक डेप्थ सेंसर ही मिलता है। यानी कि इस फोन को अगर आप लेते हैं तो इसका जो प्राइमरी कैमरा तो काफी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको अल्ट्रा वाइड से हाथ धोना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट अगली थिंग अबाउट दिस फोन इज द मोनो स्पीकर। देखो स्पीकर इनका काफी लाउड मिलता है, लेकिन इस प्राइस में आपको बाकी फोन जो है स्टीरियो स्पीकर देते हैं, तो उस चीज से भी आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। तो आपको अगर स्टीरियो स्पीकर बहुत मैटर करता है तो वो चीज यहां पर आपको खटकेगी। एंड द फाइनल अगली पार्ट ऑफ दिस फोन इज द वाइब्रेशन मोटर, यानी कि इस फोन का जो वाइब्रेशन फीडबैक है वो आपको इतना बढ़िया नहीं मिलता है। यहां पर आपको एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर नहीं मिलता है, जिसके चलते अगर आप टाइप करते वक्त वाइब्रेशन फीडबैक की वो उम्मीद से इसमें टाइप कर रहे हैं कि वो बढ़िया फीडबैक प्रिसाइज माइक्रो वाइब्रेशन फील होगी, तो वो चीज यहां पर नहीं मिलती है। वो फीडबैक अगर बढ़िया मिलता है तो प्रीमियमनेस उस फोन का और बढ़िया बढ़ाता है, यानी कि हैप्टिक मोटर। Alright guys, this is pretty much it about this phone, the good, bad and ugly, and उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।